सखी पांच प्रकार है, काल बताए हैं, एक सखी, एक प्रिय सखी, एक प्रिय नाम सखी, एक प्राण सखी, एक नित्य सखी। ये जो नित्य सखी है, साधन करके जो राधा रानी की कृपा प्राप्त करके, राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो स्वरूप है वो साधन साध्य है नहीं, वो जीव में वो है नहीं, जीव में वो वस्तु है नहीं, वो राधा रानी की कृपा पुष्ट वो स्वरूप उसमें जा करके एक जीव चैतन्य सत्ता विलय हो जाता है। विलय होकर तदात्म होकर के, जैसे अभी हम शरीर से हम तदात्म है, हम है चिन्मय, हम है आनंदमय, हम भगवान के अविच्छेद अखंड अंश, भगवान की सत्ता है, चिन्मय है, मयातीत गुणातीत इंद्रियातीत, लेकिन मैं भूल गया हूँ, भूल करके प्रकृति में आकर के इस तरह से हमने अपने चेतन सत्य को विलय कर दिया। विलय होके प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर के एक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूम रहे हैं, 84 लाख जोनी में नए नए शरीर परिवर्तन करते हुए, अलग अलग शरीर में अलग अलग भोग, ऐसे संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमित होकर जीव चैतन्य सत्ता स्वरूप विस्मृत होकर के संसार चक्र में घूम रहा है। स्वरूप विस्मृति ही उसके संसार बंधन का मूल कारण। स्वरूप विस्मृति, मैं भगवान का हूँ, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, ये है हमारे स्वरूप। लेकिन वो भूल गया, माया ने भुला दिया, उल्टा हो गया, अब मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये हो गया भूल। अरे इस भूल को मिटाना है, भूल मिटाना ही साधना, कोई भी साधना करो, तुम्हारा भूल मिटा नहीं तो साधना सिद्धि नहीं। साधना सिद्धि कब होती है? जब भूल मिट जाता है तब। वो भूल क्या है? ना हमने अपना को पराया कर दिया, पहला भूल, दूसरा भूल हमने पराया को अपना लिया, ये और एक भूल। अपना है ठाकुर जी, भगवान है, अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत लीला, जो अपने अपने जो उपासना पद्धति अनुसार भगवान को जिस रूप से भी उपासना करते हैं वो भगवान। तो हम जो भगवान के अविच्छेद अखंड अंश हैं, ये माया ने हमको भुला दिया, हम भूल गए हैं। जो भगवान से हमारे नित्य संबंध है, अविच्छेद अखंड संबंध, किसी भी अवस्था में पलक के लिए उस संबंध से अलग होना संभव नहीं है। चाहे भगवान भी लाख प्रयत्न करें जे इसको हम अलग कर देंगे, भगवान का भी ये क्षमता है नहीं, अलग नहीं कर सकते हैं, हमसे तदात्म है, हमसे मिले हुए हैं, हमसे रमे हुए हैं, ऐसे है ना। तो सबसे निकटतम एवं सबसे प्रियतम भगवान। जगत में ये प्रेम होता नहीं है, जगत में वो प्रेम का ही परछाइयाँ, ये जो देखते हैं हम लोग प्रेम, ये जगत में प्रेम नहीं, ये एक परछाइयाँ है। प्रेम तो भगवान से ही होता है, शरीर में वो चेतन सत्ता भगवान के अंश रहने के कारण शरीर से हम प्रेम करते हैं। जब शरीर चला जाता है, मर जाता है, तो हम क्या कहते हैं? तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? पहले तुम प्रेम किससे करते थे? कोई जो चला गया उससे प्रेम करते थे? शरीर तो तुम्हारे सामने है, इससे तुम प्रेम नहीं करते थे। वो रोते हैं क्या, न तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? तो हम प्रेम करते थे जो चले गए, वो कौन है? वो चेतन सत्ता भगवान का अंश। जड़ से चेतन का कभी प्रेम होता नहीं, जोड़ियो वस्तु चेतन को कभी आनंद दे नहीं सकता है, जोड़ियो वस्तु कभी चेतन का अपना हो नहीं सकता है। कोई चाहे लाख प्रयत्न करे लेकिन वो अपना होता नहीं, हो नहीं सकता है, नश्वर है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान है। लाख प्रयत्न करो, लाख प्रेम करो, ये प्रेम रहता नहीं है, ये आगंतुक है। क्यों? प्रेम तो एकमात्र भगवान से होता है, ठाकुर जी से होता है, ठाकुर जी से, और कहीं प्रेम होता नहीं है, है ना। तो भगवान से ही हमारा नित्य संबंध, अविच्छेद अखंड संबंध। लेकिन हमने भूल गया, विस्मृति, प्रथम विस्मृति, भूल, प्रथम भूल क्या, हमने अपना को पराया कर दिया। खैर पराया होता नहीं है, पराया होने का तो कोई संभव ना है नहीं,
वो कैसे है एक स्वप्नवत, जैसे मान लीजिए माँ की गोदी में बच्चा सो रहा है, सो सो के स्वप्न देखता है कि हम माँ से अलग होकर जंगल में भटक रहे हैं, माँ खो गया, और बच्चा माँ 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 रो रहा है माँ की गोदी में सो करके। मैया दिखता, अरे बच्चे क्यों रहे? ए, ए, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ अरे हम तो माँ की गोदी में हैं, लेकिन हम देख रहे थे स्वप्न। ये संसार भी ऐसा ही है, हम है भगवान के भीतर, भगवान के साथ है, ऐसी स्वप्नवत हमने दुखी होकर घूम रहे हैं, कहाँ शांति कहाँ शांति, मिलते नहीं शांति, यहाँ है नहीं, यहाँ शांति है नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्वमाम, अर्जुन यहाँ शांति है नहीं, अनित्य यहाँ सुख सुनो, ये पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान आगंतुक मेहमान है। तो इससे कभी प्रेम होता नहीं है ना। तो हमारे पहला भूल, हमने अपना को पराया कर दिया नहीं, होता नहीं माने हमारी विस्मृति, माने स्वप्न बात, हम स्वप्न देख रहे हैं। वो स्वप्न क्या नहीं, शरीर को मैंने मान लिया मैं हूं, लेकिन शरीर मैं नहीं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये भ्रम हो गया, ये भूल हो गया। इस भूल के कारण हम दुखी होकर अनंत काल संसार चक्र में भ्रमित होते 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 आए हैं। आप श्रीधाम वृंदावन में राधारानी के चरण सानिध्य में आप भी मौका मिल गया, अगर ये मौका गंवा दिया तो बड़ा भूल हो जाएगा, है ना, ये मौका गंवा दिया तो बड़ा भूल हो जाएगा, है ना। तो हमने अपना को पराया कर दिया, भूल हो गया, पराया होता नहीं लेकिन भूल हो गया, विस्मृति स्वप्नवत। और दूसरा क्या, दूसरा भूल हो गया, हमने पराया को अपना लिया, ये शरीर पराया है, दृश्यमान जगत पराया है, इसे पराया, पराया माने हमारा नहीं, हमसे इसका संबंध था नहीं, संबंध है नहीं, संबंध होगा नहीं, संबंध हो नहीं सकता, लेकिन हमने मान लिया ये मेरा है, शरीर मैं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, दूसरा भूल, दूसरा भूल, यही है मूल कारण। अब भजन क्या है ना, भूल को मिटाना है, मिटाओ कैसी भी हो, कैसे मिटेगा, नहीं भूल को मिटाओ, तुमने मान लिया ना शरीर को अपना, भगवान को मान लिया, भगवान कहीं और दूसरा कहीं आया, अब मान, तुमने मान लिया यदि भ्रमित हो गए तुम, इसको भूल जाओ, जान लो, मानने की जगह अब जान लो, शरीर तुम नहीं, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं, तुम राधा रानी को, राधा रानी तुम्हारी है, बस है, अपना को अपना लो, पराया को पराया कर दो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। वो संबंध था है रहेगा, वो संबंध बनावटी नहीं है, बनाया नहीं जाता है, राधा रानी से संबंध जोड़ो, शब्द भूल है, ऐसा होता नहीं, राधा रानी से संबंध था है रहेगा। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, कैसे भी मिटाओ, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये भूल मिट जाता है वही उत्तम प्रक्रिया है। अगर भूल मिटा नहीं तो तुम्हारा भजन हुआ नहीं, वो क्रियात्मक क्रिया हो जाएगा, जैसे हम लोग भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान धारणा उपासना पूजा पाठ आदि तीर्थ पर्यटन सब कुछ करते हैं, ये क्रियात्मक, लेकिन भजन भावनात्मक, वो उसके विपरीत, भावनात्मक अंतकरण अंतर जगत में वहाँ से हमारे गति जो है वहाँ से शुरुआत होगी, अंतर जगत का, वो अंतर जगत माने ये भूल जब तक नहीं मिटता तब तक उसका अंतर जगत में उसका अनुप्रवेश होना संभव नहीं है, भूल में ही तो यहीं पर फंसे हैं ना, मिथ्या को हमने सत्य मान लिया, शरीर मैं हूं, शरीर मैं होने का कारण शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, मैं शरीर नहीं तो मैं कौन हूं, मैं राधा रानी को हूं, मैं इससे अतीत हूं, अलग हूं, चिन्मय हूं, दिव्य हूं, नित्य शुद्ध सत्य सनातन आनंदमय हूं, मैं राधा रानी को हूं, राधा रानी मेरी है, बस ये भूल मिटाना ही साधना है ना। तो भगवान इस तरह से लीला करते हैं, जीव जगत को उस चेतन सत्ता को जगाने के लिए जुग जुग में आते हैं, नाना रूप धारण करके, नाना रूप ले करके भगवान आते हैं, उनकी सृष्टि
वो सृष्टि उनकी है, वो सत्ता उनकी है, और समस्त दृश्य मान जागतिक वस्तु पदार्थ सब उन्हीं का ही है। मत्त परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्रे मुनिगणैव, हमसे परे और कोई तत्व नहीं है। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हमारे द्वारा ही सब कुछ प्रवर्तित हो रहा है। तो भगवान ऐसे अपना ही सृष्टि रचना करके आते हैं, आ करके इस तरह से जगत जी को चेतन सत्ता जगाने के लिए वो नित्य दिव्य लोक के संदेश लेकर आते हैं, अपने पार्षदों को साथ लेकर आते हैं, और कृपा करके वो चेतन सत्ता को संदेश देते हैं, देखो तुम कहाँ भटक रहे हो, चलो 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 चलो। इस तरह से एक लीला, लीला के माध्यम से भगवान इस तरह से जगत जीव को इस तरह से उनकी चेतन सत्ता को जगाते हैं। फिर धीरे धीरे चेतन सत्ता जागने के बाद वो भजन प्रक्रिया के द्वारा गुरुचरण शरण लेकर के शरणागति का माध्यम करके, एकमात्र शरणागति है भगवत चरण प्राप्ति का एकमात्र साधन शरणागति, बस अंतिम साधन है शरणागति। शरणागति जब तक नहीं होती है तब तक साधक निश्चिंत होना संभव नहीं। चिंता कब तक? जब तक स्वतंत्रता अपने कर्तृत्वपन है तब तक चिंता। निश्चिंतता कब? जब शरणागत हो जाते हैं, अपने कर्तृत्व अभिमान वर्जित हो, मैं नहीं तुम करता, इस घट में तुम हो, तुम करा रहे हो, मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम हमारे द्वारा क्या करा रहे हो, ऐसे तब है निश्चिंतता। निश्चिंत जब तक चिंता है तो समझ लेना तब तक शरणागति कमी है। शरणागति है निश्चिंतता, हमारा क्या है, तुम करा रहे हो तुम्हारे कर्म, हम भी तुम्हारे हैं, तुम हमारे भीतर से तुम्हारा कर्म तुम करा रहे हो, हमारे कोई कर्तृत्व है ही नहीं है? जैसे छोटे बच्चा माँ की गोदी में बैठ करके शेर को भी पाम दिखाता है, देखो हमारा माँ है। निश्चिंत हो, आधी आती है तूफान आता है, बच्चा का कोई भय नहीं, पकड़ लेते हो, पको पकड़, माँ है, मतलब माँ है तो कोई चिंता नहीं। ऐसा ही साधक जब शरणागत हो जाते हैं तो वो भी इस तरह से निश्चिंत हो जाता है। लेकिन हम चिंता, हमारी चिंता देखो क्यों, हम कर्तृत्वपन गए नहीं ना, इसलिए है है, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, ये क्यों, ये प्रश्न क्यों आता है, तुम्हारा अहंकार है ना, कर्तृत्वपन है, इसलिए तो कर्तृत्वपन को मिटाना है। अब तुम कर्ता बनो, हमारे भीतर रह करके तुम कर्ता बनो, तुम्हारे कर्म तुम करो, ये शरीर ये रथ है, इसमें तुम रथी हो, हम इसमें बस दृष्टा बन के तुम क्या करा रहे हो, इस रथ को कैसे चलाते हो, ये तुम जानो। ऐसे भगवान आते हैं, इस कलियुग में भगवान आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में, राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु। तो उनकी जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं। आप महाप्रभु बांग्लादेश गए थे, वहाँ से आ गए हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी जगत लक्ष्मी जगत जननी लक्ष्मी प्रिया पति विरह में प्राण त्याग करके नित्य धाम चले गए, बहुत दिन हो गया पति आए नहीं, शोक संतप्ता विधुरा, शोक संतप्ता वो सती रमणी और सहन कर नहीं पाए, एक दिन वो शरीर त्याग करके नित्य धाम चले गए। महाप्रभु आए हैं लौट के, आकर के देखते हैं घर में अशांति की परछाइयाँ, माँ के पास गए, माँ माँ माँ, माँ के मुख में कोई हंसी नहीं, फिर बहुत कोशिश की जो माँ क्यों नहीं बात क्यों नहीं कर रहे हैं, माँ अंचल से ढक करके रो रही है, क्या बात है माँ तुम क्यों रो रहे हो। फिर जा करके प्रतिवेशी कहते हैं जो तुम्हारी जो पत्नी है लक्ष्मी प्रिया देवी वो सधाम चले गए। फिर महाप्रभु कुछ भूम लीला किए हैं, रोना पीटना हाय हाय जैसे करते हैं ऐसे कुछ लीला प्रकटन किए। उसके बाद महाप्रभु तो आप विद्या विलास में निमग्न है, विद्या विलास में निमग्न है, अभी तक आपने महाप्रकाश के समय नहीं आया, अब महाप्रकाश जो है वो करेंगे। उसके पहले महाप्रभु एक मुग्ध मनुष्यवत प्राकृत मनुष्यवत महाप्रभु
मुग्ध प्राय हो करके नवद्वीप में इस तरह से लीला कर रहे हैं। निमाय पंडित नाम से प्रसिद्ध है, 18-19 साल उम्र है, अल्प उम्र नवीन जौवन, अति सुंदर भुवन मोहन भुवन सुंदर रूप, घुंघराली केश, आकर्ण नेत्र, चंद्रकांति जैसे मुख शोभा, पीताम्बर धारी, ऐसे महाप्रभु जब जाते हैं सब देखते हैं, जो ऐसे सुंदर इतनी सुंदर मधुर विग्रह किसने निर्माण किए हैं, राजा ने विदता ने कौन सृजन शक्ति प्रयोग करके इतना सुंदर निर्माण कार्य में भगवान ने सुचारू रूप में इतना निर्माण कार्य में अपना कलाकृति को समर्पण करके इतना सुंदर निर्माण किए हैं, वो शोभा देखते हैं सब विमुग्ध हो जाते हैं। निमाय पंडित का नाम पूरा उस समय विद्वत्ता के दो केंद्र प्रधान है, एक नवद्वीप धाम, एक है काशीपुरी। काशीपुरी में काशी विश्वनाथ, काशी में उस समय प्रकाशानंद सरस्वती का बहुत नाम, और नवद्वीप में बंगाल में निमाय पंडित का बहुत नाम। लेकिन अल्प उम्र, सब जानते हैं जो ये व्याकरण अध्ययन किए हैं, आगे ज्यादा तो कुछ अध्ययन किए नहीं है, न्याय पतंजल योग दर्शन आदि, या आपका जो साहित्य है ये सब कुछ अध्ययन तो कि ऐसे ही सबका धारणा ऐसे है जी, ये तो ठीक है विद्वत्ता है, लेकिन व्याकरण में बहुत ही विद्वत्ता है, बाकी आगे है अलंकार शास्त्र साहित्य अलंकार शास्त्र इस संबंध में विशेष कुछ तो विद्वत्ता है नहीं, ऐसे सब कोई धारणा, लेकिन महाप्रभु के सामने कक्षा करने का लायक कोई है ही नहीं, जो बैठते हैं सभी महाप्रभु के सामने पराजय स्वीकार करके चले जाते हैं। इतने में क्या हुआ, उस समय भारतवर्ष में बड़े एक पंडित नाम है केशव कश्मीरी, कश्मीर के रहने वाले, वो सरस्वती के सिद्ध हैं, माता सरस्वती उपासना करके माता सरस्वती इनको सिद्ध किए हैं, तो उनके जीवा में माता सरस्वती हर समय विराजमान रहते हैं, सब वेद वेदांत उपनिषद आदि उनके इच्छा मात्र मुंह से निकालना शुरू हो जाता है समस्त शास्त्र सिद्धांत, तो विद्या गर्भ में गर्वान्वित होकर के सारा भारत भूमि पर्यटन कर रहे हैं, और जहां जहां विद्वत्ता के केंद्र हैं वहां जाकर के टंकार देते हैं, है कोई हमसे कक्षा करने वाला, कौन बड़े पंडित है यहाँ, अगर है नहीं तो हमको वरमाला पहना दो। इस तरह से घूमते 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 सुने हैं नवद्वीप में बड़े बड़े विद्वत्ता बड़े विद्वान के सब समावेश है, वहाँ विद्या केंद्र है नवद्वीप में, आए हैं नवद्वीप में गंगा किनार में तंबू लगा करके अपने शिष्य मंडली लेकर के हाथी घोड़ा आदि सब साजा बाजा लेकर के वहाँ निवास कर रहे हैं, खबर दिए हैं नवद्वीप यहाँ हम सुने हैं बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ हमसे कक्षा करने वाला कोई है तो आ जाए, कौन बड़े बड़े विद्वान है यहाँ, सुन करके पूरा नवद्वीप में ये खबर तो पहुंच गया घर घर में, और उसमें विद्वत्ता का बड़ा एक ये था, मैंने आपस में तर्क वितर्क ये विशेष उसका विशेष एक विद्वत्ता के प्रकाश था, विद्वत्ता है तो आपस में लड़ते थे है ना, कक्षा करना तर्क वितर्क करना अपना पक्ष स्थापन करना पक्ष प्रतिपक्ष ऐसा होता था पहले ज्यादा, तो सब विद्युत जन जो है बड़े बड़े अध्यापक उनके यहाँ खबर पहुंच गए, आप सुने हैं केशव कश्मीरी सरस्वती सिद्ध है, जिनके मुख में जीवा में सरस्वती विराजमाना है, बड़े उनका सामने में कक्षा कौन करेगा है? भाई हम लोग तो अध्ययन करके तो हम लोग विद्वान हुए हैं, अरे तो अध्ययन का आवश्यकता नहीं है, सरस्वती स्वयं जीवाग्री विराजमाना है, कौन करेगा, भाई भी तो हो गए हैं सब, आप चिंतित भी हो गए, क्या हमारे नवद्वीप का अब इज्जत ढीला हो जाएगा, सब जब कहेंगे जो ना ये सब हार गए, यहाँ कोई बड़े बड़े पंडित है नहीं, हार गए सब के सब कश्मीरी के पास, तो ये एक अपमान भी है ना। ये खबर घूमते 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 निमाय पंडित के पास आ गया, जे ऐसे बड़े
दिग्गज पंडित आए हैं कश्मीर से, नाम केशव कश्मीरी, निम्बार के संप्रदाय के, बड़े सरस्वती सिद्ध हैं, चेहरा भी बड़े अलौकिक दर्शनीय है, बड़े सुंदर दिव्य कांति है, उनके सामने बैठने के लिए सब साहस नहीं करते हैं, वो जो उच्चारण करते हैं संस्कृत वो समझने लायक भी विद्वान बहुत कम मिलता है, हरा हरा करके इस तरह से संस्कृत उच्चारण करते हैं जो वो समझना ही बड़ा कठिन बात है, बड़े बड़े पंडित है ना। निमाय पंडित एक दिन गंगा किनारे में चंद्रिमा रजनी में, गंगा के प्रशस्त बंगाल है ना, प्रशस्त एरिया है, समतल भूमि है, घास है सुंदर, घास है, उसके ऊपर बैठ करके सब शिष्य मंडली लेकर के गर्मी के मौसम में सुंदर आनंद लेते हैं, गंगा किनार स्वच्छ निर्मल पानी सुनेली तो गंगा, गंगा दर्शन करके सब आनंद मुखर होते हैं, बड़ी सुंदर तब से तो वहाँ बैठ करके विद्या चर्चा करते हैं। तो कहते हैं ऐसे निमाई पंडित को, जो यहाँ बड़े पंडित आए हैं केशव कश्मीरी, वो सरस्वती सिद्ध है, आप तो ये नवद्वीप का तो आप बड़ा अपमान हो जाएगा, उनके साथ कक्षा करना तो किसी का समर्थ है नहीं, उतने बड़े विद्वान है, सरस्वती सिद्ध है। निमाय पंडित से कहते हैं आप उपाय क्या है, उपाय तो कुछ दिखता नहीं है। महाप्रभु गंभीर हो गए हैं, गंभीर होकर एक शब्द कहे, सुनो सुनो अरे भाई कोई तत्व कथा, अहंकार नशायन ईश्वर सर्वथा, जे जे मदे मत्त हे करे अहंकार, अवश्य कृष्ण तहा करें संहार, फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से ताहार स्वभाव अनुखन। भगवान टंकार देके कहते सुनो सुनो मैं तत्व कथा कहता हूँ सुनो, ईश्वर भगवान कभी किसी का घमंड को सहन नहीं करते हैं, घमंड रासलीला में सब ब्रज गोपियाँ सब रासलीला कर रहे हैं भगवान के साथ, समस्त ब्रज गोपी के मन में ऐसे एक थोड़ा सा ऐसी भावना आ गई कि हमसे सुखी इस संसार में और कोई है नहीं, कोई रमणी है नहीं, भगवान के साथ जब नृत्य कर रहे हैं ना उनके मन में ऐसे भावना आ गई हमसे सुखी संसार में कोई, इतना में ही भगवान सहन नहीं हुआ, भगवान राष्ट्र छोड़ के चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। खैर पूर्ण रूप से नहीं, ये लीला है ना, उनके प्रेम लीला प्रेम क्रीड़ा ये देखने का मन हुआ, लेकिन ये है श्रीमद् भागवत पुराण ऐसे कहते हैं भगवान सहन नहीं करते अहंकार। सुनो सुनो अरे भाई कोई तत्व कथा, अहंकार न सहन ईश्वर सर्वथा, ये घमंड ये बड़ा खतरनाक चीज है, घमंड जहाँ वहाँ भक्ति देवी है नहीं, अहंकार इसके स्वरूप है पुरुष और भक्ति देवी के स्वरूप है स्त्री स्वरूप, है ना, कुलवधू जैसे जैसे कुलवधू घूंघट देकर रहती है कोई पुरुष आने से छुप जाती है, भक्ति देवी ऐसे ही परम लज्जाशीला, हृदय में कभी अभिमान आ गया भक्ति देवी हट गई, उस हृदय में रहती नहीं है भक्ति देवी, अभिमान बहुत प्रकार, मैं पंडित हूं मैं कुलीन हूं मैं मानी हूं मैं धनी हूं मैं ज्ञानी हूं, और भी अभिमान है, मैं भजनानंदी हूं मैं परम भक्त हूं मैं शुद्धाचारी हूं मैं ब्रह्मचारी हूं मैं त्यागी हूं मैं बहुत अनुभवी हूं, ये वहाँ चलता नहीं है, उसका किंचित मात्र अनुप्रवेश वहाँ है नहीं, राधारणी ये तो सहन करते ही नहीं, मैं विद्वान हूँ कुलीन हूँ मानी हूँ ये तो सहन कर लेते हैं, लेकिन मैं वैष्णव हूँ मैं भक्त हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ ये अभिमान, उसको ऐसे पानी पिलाएंगे ना वो जीवन भर याद करते रहेंगे। जैसे पिता माता अपने बच्चा को शासन करते हैं ना, कहीं झगड़ा करके आया कुछ अन्याय करके आया तो अपने बच्चा को पिटाई करते थे, क्यों जो तू क्यों गया वहाँ तेरे को जाना नहीं चाहिए था, अपना बच्चा को शासन करते हैं, अड़ोस पड़ोस का बच्चा को थोड़ी शासन करेंगे, अपना बच्चा को शासन करते हैं। हम लोग जब बचपन में हम लोग ना कहीं झगड़ा करके आए ना मार खा के आ गए हैं घर में आके और उल्टा मार पड़ता था, क्यों गए थे वहाँ झगड़ा करने, मार खा के हम मार खा के आ रहे हैं,
उल्टा मार, क्यों गए थे तुम, झगड़ा क्यों किए, है ना। तो ऐसा है ना, राधा रानी भी ऐसा ही, अपना जो प्रियजन है भक्त का अभिमान भगवान कभी सहन नहीं करते हैं उनको, एकदम ऐसे नहीं जो उनको अलग कर देते हैं, है? ऐसे नहीं, थोड़ा शासन करते हैं, है ना। तो भगवान ये अहंकार कभी सहन नहीं करते, उसके अंदर सबसे बड़ा अभिमान है तुम्हारा, मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये सब ये अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारे चैतन्य चैतन्यमित कहते हैं, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। हमारे रामदेव बाबा जी कहते थे, वैष्णव कौन है वो जानते हैं, मैं सिर्फ अयोग्य और सब योग्य। बोले विधि निषेध, बोले विधि निषेध सिर्फ मेरे लिए, इनके लिए नहीं, ये सब योग्य है। विधि निषेध सिर्फ हमारे लिए और सब सब हमारे लिए प्रणम्य, सब हमारे लिए आदरणीय, सब हमारे लिए वंदनीय, प्रभु सब घट घट में विराजमान है। ऐसा थोड़ी है, हम कहाँ से श्रेष्ठ हो गए हैं, क्या इनके अंदर प्रभु है नहीं, इनके प्रति कृपा है नहीं, हम कृपा के एकदम मूर्तिमंत विग्रह हो गए। राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर है, इनके ऊपर कृपा नहीं, ये छोटे हैं हम बड़े हैं, ये अभिमान सहन नहीं करते। तो महाप्रभु कहते हैं, सुनो सुनो अरे भाई, कोई तत्व कथा अहंकार नशाए ईश्वर सर्वथा, जे जे मद मत्त है करे अहंकार, अवश्य ईश्वरता करे न संहार। जिस मद में मत्त होकर के घमन करते हैं, साधु के साधुता का अभिमान वो भी नष्ट कर देंगे, ऐसे पानी पिला देंगे, ऐसे दाग लगा देंगे, काली का दाग हिसाब करते रहेंगे, है ना। साधु का अभिमान ये सहन नहीं करते, साधुता का अभिमान। जे जे मन मत करे अहंकार, अवश्य ईश्वरता करे। फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन नम्रता सीता है स्वभाव अनुकर। जिस पेड़ में फल फल जाता है वो पेड़ झुक जाता है भार फल के भार से, ऐसे जिसमें वो भक्ति देवी के किंचित मात्र कृपा लेश है वो भी इस तरह से झुक जाते हैं। झुकना कोई खेल तमाशा है, घमंड दिखाना तो वो सहज है। देखो ना, दुर्जन से दुर्जन छाती तान के चलता है, दुर्जन से दुर्जन बड़े बड़े गुंडा बदमाश माफिया ऐसा चलेंगे, और समस्त सदगुण से अलंकृत भूषित भक्त कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्न मृदु सूचि यकिंचन सर्व प्रकारक शांत कृष्ण एक शरण अकामनीय स्थिर विजित सरगुण मित भूक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मित्र कोवि दक्ष मौनी। ये सब गुण है वैष्णव शरीर, वैष्णव के शरीर में इतने सारे गुण आता है, भक्ति देवी कृपा करके जिस हृदय में अनुप्रवेश करते हैं, विराजमान रहते हैं, उनके अंदर ये सब सद्गुण देखने में आता है, सद्गुण से अलंकृत हो जाता है उनके हृदय। लेकिन वो कैसे है, मौसम कौन कुटिल लिखा लकामी, क्या शब्द, मौसम कौन कुटिल लिखा लकामी जहता नदी होता है बिस्रायो ऐसा निमक हरामी। देखो क्या क्या शब्द, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई नरोत्तम पावन नाम धरो। नरोत्तम ठाकुर क्या कहते हैं, वन नरोत्तम ठाकुर उस दिन आलोचना की है ना, महाप्रभु जो खेतरी ग्राम में जाकर के जब नरोत्तम ठाकुर जन्म नहीं लिए हैं और वहां पर जाके रो रहे हैं, पद्दा नदी के किनारे में जाकर के महाप्रभु रो रहे हैं, नुरु 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 नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। भक्तों लोग कहते हैं, प्रभु नरोत्तम कौन है, हम लोग तो जानते नहीं, हम लोग तो यहाँ आए हैं, सभी को जानते हैं नरोत्तम नाम से कौन है। बोलते तुम लोग जानते नहीं हो, यहाँ जन्म लेगा उस दिन तो हम नहीं रहेंगे, ऐसा भक्तों के सान्निध्य प्राप्त करने का सौभाग्य हमारा होगा नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ जो ऐसे भक्त आएगा हमारे बाद, लेकिन मैं तो उस दिन रहूँगा नहीं, इस दुख से मैं रो रहा हूँ, नरोत्तम इस भूमि में जन्म लेंगे, वही नरोत्तम क्या कहते हैं, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई नरोत्तम पावन नाम धरो। हे प्रभु हमसे पतित इस भुवन तुमको मिलेगा नहीं, हमसे पतित इस संसार में कोई है नहीं, मौसम पतित नाई
त्रिभुवने देखो चाहे नरोत्तम पवन नाम धरो। दीनता ये अलंकार है, जहां दीनता है वहां भक्ति है, जहां भक्ति है वहां दीनता है, भक्ति है दीनता नहीं ऐसा होता नहीं। जिस हृदय में भक्ति देवी किंचित मात्र कृपा अवलोकन करते हैं, विराजमान हो जाते हैं, उस वो भी इस तरह से झुक जाते हैं और ये झुकना सिखाते हैं। जहां झुकना नहीं वहां भक्ति नहीं, जहां अहंकार है मैं बड़े भजन आनंदी हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, तो भक्ति देवी उस हृदय से हट जाते हैं। अरे भाई ये पुरुष प्रवेश कर गया, इसी हृदय में पुरुष अहंकार है, पुरुष मैं पंडित हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब पुरुष अभिमानी, अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समं प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। तीन को त्याग कर हरि भजन करना, बोले पुरुष आ गया, भक्ति देव उस हृदय से हट जाते हैं। अब पुरुष आ गया तो घमंड लेके तुम संतुष्ट रहो, भक्ति देवी की कृपा चाहते हो सबके पाँव के नीचे आ जाओ, सबके पाँव निर्विशेष, ये विशेष नहीं, ये भजन, ये भजनानंदी, ये सब नहीं, सब प्रभु तुम्हारे हैं, सब में तुम हो, ऐसे जान करके सबके पाँव के नीचे लेट जाते हैं। जो ये है हमारे भक्ति मार्ग, यह घमंड लेकर, भजन के अभिमान लेकर, भक्ति देवी के अभिमान लेकर, संप्रदाय का अभिमान लेकर के वहाँ अनुप्रवेश होना। हाँ ठीक है, तुम संतुष्ट रह सकते हो जो हमको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन वास्तव में वहाँ पहुँचना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम्हारे लिए वहाँ दरवाजा बंद है। तो माँ प्रभु कहते हैं फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन नम्रता शेता स्वभाव अनुखर, उनके स्वभाव होता है, ऐसे साहस नहीं है झुकना, झुकना स्वभाव साहस नहीं, कृपा से होती है, जिसके प्रति कृपा है वही झुक सकती है, जब तक कृपा नहीं तब तक झुकना नहीं हो तो माथा ऊंचा, हम जैसे बड़े भजनानंदी बड़े संत, संत का अभिमान, हम बड़े महंत हैं, हम बड़े संत हैं, है ना। तो महाप्रभु खूब टंकार देखे ऐसे शब्द कहे, तुम लोग देखना इस नवद्वीप में, देखना उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा, देखना तुम लोग। आप जितना शिष्य हैं उन लोग सोचे भाई घमंड तो चूर चूर तो हो जाएगा, निमाय पंडित तो कह दिया, लेकिन पंडित तो कोई दिखता नहीं है, जिसके जीवाग्रे सरस्वती देवी स्वयं नृत्य करते हैं उनके सामने कक्षा कौन करेगा। आधी तूफान जैसे जब श्लोक उच्चारण करते हैं ना, समझना ही मुश्किल हो जाता है, उनका व्याख्या तो बहुत दूर की बात है। ऐसे है केशव कश्मीरी, निमाय पंडित तो कह दिया, ठीक है सुनने में अच्छा लगता है, वास्तव में बहुत काम बहुत कठिन है, ठीक है कुछ कहा नहीं। और वो घमंडी केशव कश्मीरी छाती तान के नवद्वीप घूमते हैं कभी कभी, सब बड़े बड़े विद्वत जन हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे करके वाह वाह सबको निमंत्रण देते हैं, आप लोग कोई यहाँ विद्वत जन कोई है, कोई विद्वान है तो हमसे थोड़ा सा कक्षा करें, थोड़ा आलोचना करेंगे, शास्त्र आलोचना उनके पास भी हम थोड़ा सा सुनेंगे, ऐसा कोई है तो कोई साहस ही नहीं करते हैं। कभी कभी गंगा के किनारे में जब तंबू लगा के बैठ करके जब श्लोक उच्चारण करते हैं ना, बड़े बड़े पंडित चुपचाप जा करके घूंघट दे करके बैठते हैं, जी कैसे पंडित है थोड़ा देखूं तो, अपने दिखाते नहीं, मैं बड़े पंडित गया हूँ, मुंह ढक करके चुपचाप जा करके श्रोता के बीच में, शिष्य के बीच में बैठ जाते हैं। भाई हुर्र करके गंग ऐसे महिमा, ऐसे सब संस्कृत उच्चारण करते हैं जो समझना ही मुश्किल, उसका माने समझना कठिन है, ऐसे ऐसे सब कहाँ से शब्द शैली, वो भंडार शब्द कोश खोल करके ऐसे ऐसे शब्द कहाँ का
दुर्वसप ऐसे जो माने समझना कठिन ऐसे ऐसे श्लोक करते हैं, कौन कक्षा करेगा इनकी कक्षा। एक दिन निमाय पंडित पूर्णिमा रजनी में गंगा के किनारे में अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं, बड़ी सुंदर दिव्य झलक मृदुमंद समीरन बह रही है, बड़े सुंदर दिव्य उस चंद्र किरण में महाप्रभु को दिख रहे हैं। एक अद्भुत शोभा घुंघराले केश खाली बदन उन्नत वक्ष जनु पहने हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, सुठाम शरीर देखने से ही जैसे मन को मोहित कर लेता है। केशव कश्मीरी चुपचाप आए हैं, सुने हैं निमाय पंडित नाम के एक अल्प उम्र नौजवान, लेकिन वो उतना अध्ययन किए नहीं है, सुने हैं जो कला व्याकरण तक पढ़े हैं, खूब विद्वान लेकिन उतना अलंकार शास्त्र फास्त्र कुछ उतना अध्ययन किए नहीं है। चलो तो चले, काम तो है नहीं, गर्मी मौसम है, चलो थोड़ा गंगा के किनारे चलते चलते थोड़ा आनंद ले। अपने शिष्य वर्ग के साथ चल रहे हैं, झुंड के झुंड लेकर के चल रहे हैं। इतना में वही चंद्र किरण में देख रहे हैं, कोई शिष्य निमाय पंडित कहते हैं केशव कश्मीरी आ रहे हैं, केशव कश्मीरी आ रहे हैं। तो सब बैठो, आप तो सब शिष्य सोच रहे हैं, आप तो हम लोग निमाय पंडित को इतना बड़े समझते हैं, आदर करते हैं नवद्वीप में, जे निमाय पंडित जैसे कोई पंडित है ही नहीं, उनके सामने कक्षा करना तो दूर की बात है, निमाय पंडित के सामने बैठने का क्षमता किसी का है नहीं, आज निमाय पंडित का हवा निकल जाएगा, कितना बड़ा पंडित है आप देखेंगे। साधारणीकरण ना, सब जानते हैं साधारण निमाय पंडित है, पंडित है, लेकिन यदि व्याकरण ही अध्ययन किए हैं, कुछ दिन न्याय शास्त्र अवश्य अध्ययन किए हैं, लेकिन तुम्हारे अलंकार शास्त्र बस ये सब तो कुछ अध्ययन किए नहीं ना, और उम्र भी कितना 18 साल उम्र है भाई, अध्ययन करते करते कम से कम ज़्यादा उम्र हो जाता है, जब बहुत दिन अध्ययन किया तो ठीक है, ये अल्प उम्र है ना। तो मन में सोच रहे हैं आप तो हमारे निमाय पंडित का तो भाई, आप तो मुँह तो बंद हो जाएगा, हम लोगों का तो फिर तो कोई खुशी तो रही नहीं रहेगी, हे भगवान अब रक्षा करो रक्षा करो। आपके सब कष्ट भाई वृद्ध है, उन्नत शरीर है, बड़ी सुंदर दिव्य दर्शन है, घुंघराले केश ऐसे हैं, तिलक धारण किए हुए आए हैं, अच्छा देख करके आए हैं, अच्छा सब कहते हैं यह है निमाय पंडित। अच्छा तुम्हारा नाम निमाय पंडित, हाँ नाम तो तुम्हारा सुने हैं, अच्छा बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये नवद्वीप में तुम्हारा तो नाम सुने हैं, निमाय पंडित नाम से प्रसिद्धि है, बहुत सुंदर। निमाय पंडित कहते हाँ आप ही क्या वो केशव कश्मीरी पंडित जी, अच्छा अच्छा बहुत सुंदर, प्रणाम प्रणाम, आप तो हमारे पूजनीय हैं, हमसे बड़े हैं, आप बड़े विद्वान हैं, हम तो आपके शिष्य के लायक भी नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है आप बैठिए, आदर करके उनको ए हटो 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 चलो हटो, हट गया, उनके लिए आसन दे दिया, बड़ी सुंदर शुभ्र वस्त्र दिया, गंगा के किनारे में मृदुमंद समीरन बह रहा है, अच्छा सुंदर लग रहा है, चंद्रमा चंद्रिमा रजनी बैठी है। अच्छा तो तुम तो सुने हैं, तुम कला व्याकरण अध्ययन किए हो और अलंकार शास्त्र आदि तो तुमने कुछ अध्ययन किए नहीं हो, अच्छा ठीक है बढ़िया है, लेकिन हम तो आए थे नवद्वीप में, जो ऐसा कोई पंडित है जो हमसे बैठ करके थोड़ा सा शास्त्र चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने के लिए किसी को हमको मिला नहीं, ये बहुत दुख की बात है, इसीलिए मैं अब क्या करूँ, हमको लौट के जाना है, बहुत दुख की बात है जो हमारे सामने बैठ करके थोड़ा सा शास्त्र चर्चा करेंगे, ऐसा तो एक पंडित तो रहना चाहिए। निमाय पंडित कहते हैं आप जैसे विद्वान यहाँ कहाँ है, आप तो हमारे पूजनीय है, कृपा करके आए हैं दर्शन देने के लिए, हम बहुत सौभाग्यशाली है, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आप थोड़ा गंगा के महिमा संबंध में थोड़ा सा दो चार श्लोक सुना दीजिए, गंगा के महिमा, बस ऐसे तो मौका मिलेगा नहीं, जब मौका मिल गया आपके श्री मुखद गिरण अमृतमय प्रवाह है वो थोड़ा सा सुनने का थोड़ा मन करता है, आप थोड़ा गंगा की महिमा संबंध में थोड़ा सा आपके श्रीमुख से थोड़ा सा शास्त्र जो कहते हैं गंगा के महिमा वर्णन कीजिए।
सुन करके तो फूल करके और मोटा हो गया, ऐसे तो मोटा है फिर और मोटा हो गया, फूल गया अरे भाई शब्द अलंकार शब्द कोश का जितना कठिन कठिन शब्द है सब कहां से बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आधी तूफान जैसे, संस्कृत का जैसे तूफान आ गया, सुनामी लहर आ गया जैसे एकदम बिल्कुल उनके मुख से संस्कृत का सुनामी लहर चल रहा है। सब शिष्य अरे बाप रे बाप, निमाय पंडित तो हवा में उड़ जाएंगे, उनके सुनामी लहर में ये तो डूब जाएंगे, असंभव बात है ये तो, हम लोगों को समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है क्या कह रहे हैं क्या शब्द, चिंतित हो रहे हैं, ये तो टिकना मुश्किल है इनके सामने। फिर जब शांत हो गया, बहुत सुंदर आपने जो शत श्लोक एक सौ श्लोक उच्चारण कर लिया तूफान जैसे आंधी तूफान, बहुत सुंदर आप जैसे विद्वान, हम तो कृतकृत्य हैं, हम तो धन्य हैं कि आप जैसे विद्वान के श्रीमुख से इतनी सुंदर जो गंगा की महिमा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हैं आपके पास। लेकिन थोड़ा एक जिज्ञासा है आपसे, अच्छा इसके अंदर एक श्लोक का व्याख्या थोड़ा कीजिए ना, मैंने कौन श्लोक का व्याख्या, हम तो तूफान जैसे श्लोक कह गया, इसके अंदर कौन सा श्लोक का व्याख्या करेंगे। तो महाप्रभु फट उसके भीतर से एक श्लोक निकाल करके सुना दिया, ये श्लोक सुन करके उनके माता चकड़ा खा गया, अरे भाई हम आंधी तूफान जैसे उच्चारण किया, उसके अंदर एक श्लोक कंठस्थ कर लिया, कंठस्थ कर कहते हैं ये श्लोक का और तो श्लोक है, अच्छा ठीक है ये श्लोक का ही यहाँ पे व्याख्या कीजिए, इसके बाद जरूर होने से हम और श्लोक उच्चारण करके सुना देंगे। अरे बाबा आंधी तूफान जैसे बोल दिया, ये श्लोक छोड़ के और भी श्लोक उच्चारण करके सुना देंगे, ये तो भाई जैसे हम सुने ऐसा तो साधारण तो है नहीं, चिंता करना देख रहे हैं असंभव असंभव। एक श्लोक भाई उच्चारण संधि करके उसको टुकड़ा टुकड़ा करके उच्चारण करना, ये साधारण संस्कृत में क्या होता है, एक लंबा लंबा एक श्लोक है ना, इतना संधि है एक शब्द में 8-10 संधि लग जाता है, इतना बड़े है संस्कृत में, संस्कृत ज्ञान जिसका नहीं है वो उच्चारण ही कर नहीं पाएगा। कुछ समय देख कर अच्छा ठीक है बताओ क्या कहना चाहते हो, कहना चाहते हैं कि इसके अंदर इस श्लोक का या व्याख्या कीजिए, इसमें क्या दोष गुण क्या है इस संबंध में थोड़ा बोलिए। अरे दोष क्या कहते हो तुम, अरे ये जीव से जो उच्चारण कर लिया सब वेद मंत्र है, उसमें दोष नमक कोई पदार्थ है ही नहीं, दोष तुम क्यों कहते हो, गुण बोलो। बोले हाँ गुण तो हम देखते हैं, गुण भी है लेकिन दोष भी, हमारे दृष्टि से कुछ दोष भी इसमें देखने में आया। आश्चर्य सरस्वती हमारे जीवाग्र में विराजमाना है, हमारे शब्द में भूल, ये तो वेद भूल हो जाएगा, हमारे शब्द भूल नहीं हो सकता है, क्या कहते हो तुम तो बालक हो, कला व्याकरण अध्ययन किए हो, तुम इसका माने तुम कैसे समझोगे, माने ही करो ना। तो महाप्रभु गर 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 करके उसका अनुवाद करके सुना दिया, देखिए आपका श्लोक इसका अनुवाद ये है, खैर हमारे पास लिखा हुआ है, हमारा तो कंठस्थ है नहीं, आपके सामने आप बोलने से कम से कम एक दिन लग जाएगा, उसके व्याख्या संबंधी जिस तरह से वर्णन किया है, हम सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा दिग्दर्शन देते हैं। तो महाप्रभु उसमें कहे शब्द अलंकार के बड़े बड़े शास्त्र जो निरूपण किए हैं शब्दालंकार, उसमें कई जगह उनके भूल दिखा दिया, देखिए ये शब्द आपने प्रयोग किया इसमें ये भूल, इसमें ये भूल, इसमें ये भूल, ये अमृष्ट विद्यांश दोष, इसमें ये शब्द अलंकार दोष, इसमें अनुप्राश दोष, इसमें ये सब शब्द अलंकार सब शब्द है सब ये दोष है, व्याख्या करके भी दिखा दिया, देखिए इसमें जो आपने ये शब्द प्रयोग किए हैं इस शब्द में इस तरह से शब्द प्रयोग करने से ये दोष होता है, ये अशुद्ध है। फिर ये जो शब्द आपने प्रयोग किया, ये जो अनुप्राश आपने किए हैं, उसमें एक जगह तो अनुप्राश आपने दिखाया लेकिन दूसरा जगह अनुप्राश है नहीं, तो इसमें भी इस तरह से कई जगह दोष एकदम
इतने सुंदर रूप से वर्णन करके धर दिया महाप्रभु ने। केशव कश्मीरी एकदम आकाश से नीचे धम करके गिर गया। भाई विश्व में ऐसा कोई विद्वान तो हमने देखा नहीं, हमारे शब्द का भूल निकालता है और निकाल भी दिया, इसमें तो भाई झूठ एक भी नहीं, सत्य है। तो जो इसको तो स्थापना करना हमारे द्वारा संभव नहीं, वास्तव सत्य है। एकदम ऐसी माथा नीचा करके, बड़ा मस्तक है ऐसा नीचा हो गया, आँख मोटा हो गया। एक बालक का सामने इतने बड़े अपमान है अपने, हमने सारा भारत खंड में ना जाने कहाँ कहाँ कितना कितना सब बड़े बड़े पंडित को हमने इस तरह से बड़े बड़े राजसभा में हम ऐसे विद्वत्ता प्रदर्शन करके हम माला प्राप्त करके आए हैं, और यहाँ के बालक के सामने हमने इस तरह से अपमान मस्तक अवनत करके बैठे हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है अब और एक श्लोक कुछ सुनाइए, ये छोड़ छोड़ दीजिए ये वाला, मुंह में शब्द आ नहीं रहा है। हाँ माने ऐसे अपमान हो गया, आप शब्द आ नहीं रहा है, आप जो शिष्य हैं ये लोग हंसना शुरू किए हैं। वहां पर चुप चुप हंसने, बड़े का अपमान है ना, हंसना, हंसने से अपमान होता है, बोलने से भी ज्यादा अपमान होता है हंसने से। कोई कुछ बोल रहे हैं अरे हंस दी, ये अपमान है। तो महाप्रभु ने पढ़कर हंसना नहीं, फिर लगता चुप हो गया, मुंह में कपड़ा देकर के बड़े संयमित, बड़े खुशी तो खूब हो गया, इनको पराजित कर दिया ना, लेकिन हंसना कपड़ा डाल के आप महाप्रभु, फिर उनके इज्जत थोड़ा ढीला हो गया। फिर कहते हैं देखिए भवभूति जयदेव ये सब बड़े बड़े कालिदास, इनका काव्य अलंकार में भी भूल होता है। भूल तो एकमात्र भगवान से होता नहीं, बाकी तो कहीं ना कहीं भूल तो होता ही है। इसलिए पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, आप जो इस शब्द अलंकार जिस तरह से आप प्रयोग किए हैं, जिस तरह से भाषा शैली है, ये वास्तव में वर्तमान युग में हमने तो इतने बड़े पंडित तो कहीं देखे नहीं है। आप दुखी मत होइए, आपके उनके फिर उनका गुण वर्णन करना शुरू किए हैं, उनका वो श्लोक वो उसमें कौन कौन गुण है, कौन कौन विशेषता है, आप इसका वर्णन शुरू कर दिए हैं। वही श्लोक का वही एक श्लोक जो लिए हैं उसी से आप गुणानुवाद करना शुरू किए हैं, इसमें और चकित हो गए जी, इतना गुणानुवाद करना, वास्तव में ये भी सत्य है। आप इतने माने लज्जित हो गए हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं अच्छा सुनिए पंडित जी, रात तो बहुत हो गया, एक काम कीजिए आज जाइए, अब दुखी मत है, हम तो आपके बालक का जैसे हैं, हम तो उम्र में भी आपके बालक का ही जैसे हैं, अब दुखी मत होइए, काल आइए, काल भी हम लोग फिर आलोचना करेंगे, आप दुखी मत होइए। इस तरह से दंडवत प्रणाम करके वहाँ विदाई ले रहे हैं, और केशव कश्मीरी सीधा चले गए हैं अपना तंबू में जा करके, सब शिष्य कह दिए जाओ यहाँ से, जाओ हमारे सामने कोई आना नहीं, जाओ। बड़े बहुत भयंकर दुखी हो गए, आप क्या करेंगे, आप यज्ञ करके एकदम आहुति देना, सरस्वती यज्ञ करना शुरू कर दिए हैं, वहाँ सारे रात बैठ करके। जे सरस्वती हमारे जीवाग्रे सरस्वती कृपा किया है, हमको सरस्वती सिद्धि है, हमारे मुख से भूल शब्द कैसे निकल सकता है, इस तरह से सरस्वती का आह्वान करके आहुति दिए हैं। प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त में आगे सरस्वती साक्षात आविर्भूता हो गई है, आगे कहते हैं बेटा तुम दुखी नहीं होना, तुम जिससे कक्षा की हो जानते हो कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, अखिल रसामृत सिंधु है, तुम्हारे भाग है, जिनके साथ तुम कक्षा की हो ये तुम्हारे साधना का फल है, उनके सामने बैठ करके तुमने जो शास्त्र चर्चा की हो ये तुम्हारा सौभाग्य है, इसलिए और उनके सामने हम तुम्हारे जीवाग्रे आना हमने हमको साहस ही हुआ नहीं, ये तो साक्षात भगवान है ना, हम तो उनके दासी हैं, इसीलिए बेटा तुम अगर मंगल चाहते हो अच्छा हुआ, आप जाओ उनके चरण में शरण ले लो, शरण लेकर के वो जैसे उपदेश करते तदनुसार तुम चलने का कोशिश करो, जाओ हम आशीर्वाद करते हैं, आज तुम्हारे जीवन के साधना का फल जो है आज ही तुमको मिल गया है,
ऐसा कहकर सरस्वती अंतर्धान हो गए और ब्रह्म मुहूर्त तुरंत उसी समय शिष्य भिष्य सब परित्याग करके एक वस्त्र लेकर के गए हैं निमाई पंडित के वहाँ जा करके। निमाई पंडित सुबह सुबह अपने ध्यान अपने भजन ध्यान जो लौकिक लीला भौम लीला कर रहे हैं सष्टांग प्रणिपात करके देखते हैं विशाल तनु ये सब कश्मीरी। अरे महाराज जी आप कहाँ से कैसे आए कैसे आए प्रभु आप मत छुपाइया छुपाइया मत हम जान गए हैं आपको हम जान गए हैं प्रभु अब हमको उपदेश कीजिए अब हमको क्या करना चाहिए हम जान गए हैं आप कौन हैं हम पूर्ण रूप से जान गए हैं आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन हैं आप भगवान हैं प्रभु आप हमसे छल मत कीजिए हमको कृपा कीजिए। तब महाप्रभु कहते हैं देखो पंडित विद्वत्ता का फल क्या है विद्वत्ता का फल है भगवत चरण में भक्ति। अगर विद्वत्ता भक्ति प्रदान नहीं करते हैं तो वो विद्वत्ता बंधन का कारण होता है। पंडित हैं तुम इतने बड़े पंडित हो करके अपने जीवन को तुमने इस तरह से बर्बाद कर रहे हो हैं भजन करो हरि भजन करो नहीं तो ये मानव तुम पा करके अगर हरि भजन नहीं हुआ ऐसे विद्वत्ता अभिमान लेकर के क्या मिलेगा फिर संसार चक्र में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम्हारा कल्याण हो और फिर महाप्रभु जाके उनको छाती में भर लिया। जब छाती में भर लिया वो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु आनंद सिंधु के स्पर्श पा करके उनके हृदय ग्रंथि खुल गया और एक जैसे सामने से एक अंधकार हट गया जैसे चेतन सत्य का पूर्ण प्रकाश हो गया। हाय हाय हमने क्या किया हमने विद्वत्ता को भी मान लेकर के कहाँ घूम रहे हैं हमारे मानव जीवन का सवाल है हमको तो भजन करना है हमने क्या किया बस महाप्रभु का प्रणाम करके उसी रास्ते उसी समय निकल गए एकदम हरि भजन के लिए। अब हमको हरि भजन करना है अब ना विद्वत्ता ना तर्क वितर्क कुछ नहीं अब तो सिर्फ भगवत चरण में भक्ति प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो सब जितना लाए थे सब वहीं पर त्याग करके और अंधकार में आपके सब कष्ट सीधा निकल गए हरि भजन करने के लिए। महाप्रभु इस तरह से अपने को छुपा करके बहुम लीला कर रहे हैं। फिर काल हम लोग चलेंगे जो महाप्रभु क्या लीला करते हैं उनके लीला चरित्र संबंध में फिर हम लोग आश्वादन करेंगे इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा साधक साधक का मन में अभिमान ना आए अहंकार ना आए इसके लिए क्या सतर्कता होनी चाहिए। अभिमान ना आए अहंकार ना आए ये तो हर बार सचेत रहना चाहिए जैसे वाणी में क्रिया में व्यवहार में जो हमारा अभिमान है कि नहीं देखना चाहिए। अगर अभिमान आता है तो सावधान होना चाहिए जो भाई ये हमारा अभिमान है ना इस तरह से अपने आत्मनिरीक्षण करना आत्म परीक्षा करना चाहिए। तत्सहित सबको दंडवत कर प्रणाम करो ये एक उत्तम उपाय है जिसको देखो उसको प्रणाम करो तो इसमें तुम्हारा विनम्रता आ जाएगी तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। सबको प्रणाम करो निर्विशेष ये नहीं ये बड़े साधु हैं इनको प्रणाम करेंगे ये तो साधु नहीं ये तो ऐसा नहीं सबको प्रणाम करो तो इस तरह से और भगवान से प्रार्थना करो प्रभु हमारे अभिमान नष्ट कर दो तो भगवत कृपा से भी सब संभव। अच्छा जय जय श्री राम। हम बंधन करेंगे वो भी करेंगे हमें तो दुख लगता है दुख क्यों लगेगा वो उनको कष्ट लगेगा वो कर ले उनका वो करेंगे करना चाहिए करो ना तुम करो ना हजार बार करो ना हमको दिखना चाहिए जो ये हमको नहीं कर रहे हैं ये भावना हटा दो मन से। अरे हमको दंडवत कर तुमको कौन दंडवत करेगा तुम देखो जे हमारे भीतर तो प्रभु है प्रभु को दंडवत करना हमको क्या है ऐसा भावना खूब करो तुम हमारे भीतर जो प्रभु है उनको दंडवत कर रहे हैं भाई हमको क्या करना है इसमें हमको दिमाग खराब क्यों करना है तुम सोच लिया हमको दंडवत करता है तो झमेला हो जाता है हम है ही नहीं वहाँ वहाँ हम ही है नहीं वहाँ तो प्रभु है ऐसा की कोई चिंता नहीं है देखना चाहिए हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा है कि नहीं बस ये देखना चाहिए। अगर ऐसा है कि ना हमारे आशीर्वाद करने के ये हमको प्रणाम करें आशीर्वाद कर, तो जाने जान लेना वो तो खतरनाक है किसी का माथे में कभी स्वप्नों में भी हाथ नहीं देना आशीर्वाद नहीं करना किसी को ना अनुग्रह करना ना निग्रह करना दोनों शास्त्र में निषिद्ध है
अनुग्रह निग्रह नहीं करना चाहिए, उसमें शक्ति क्षीण हो जाता है। अब वो हमारे अगर मान लीजिए हमें कोई दंडवत करे, हम ऐसे आप जैसे कह रहे ठीक है उत्तम है, लेकिन मन मतलब अवचेतन मन में ऐसे अहंकार भी सूक्ष्म तरीका से पैदा हो जाता है, चलो हमें दंडवत कर रहे हैं। अरे हमको क्यों दंडवत करेगा, हम है ही नहीं वहाँ, कनिष्ठ साधक है ना, ऐसे तो आ जाता है तो ना। और ठाकुर जी कर, हमारे भी तो ठाकुर जी कर रहे हैं भाई, चलो भाई ठीक है खूब करो, हमको क्या है, हम उनके चरण चिंता कर रहे हैं, जो हमको जब प्रणाम कर रहे हैं हम देखते हैं उनके चरण में हमारी श्रद्धा है कि नहीं, बस उनका करने दो ना, क्या है ठीक गुरुदेव पूजा पाठ।